तो आज सुबह के 5 बजे और मैं बहुत टाइम से उठ चुका हूँ। मैं 4 बजे का उठ चुका हूँ। सॉरी छूट बोल रहा हूँ। 4:30 बजे उठा हूँ। फिर वहाँ फिर बैठे बैठे एडिटिंग कर रहा था। अब देखिए इतना बड़ा लौकी हमारे पास है। ही बड़ा लौकी है, ये मस्त दिख रहा है। ये घर में, घर के अंदर में एक अलग से पेड़ जगा हुआ है, बेहतरीन। ऐसा देखिए आप अंदर, सोचिए इस लौकी को मेरे को तोड़ना है। तो चलिए तोड़ते हैं। तोड़ने के लिए चढ़ना पड़ेगा, चढ़ने के लिए। हाँ चढ़ना। ये यहाँ देखिए, यहाँ कुछ पेड़ पौधे उगे हैं। ठीक है, सही है, अच्छा है, बहुत ही अच्छा। तो तोड़ते हैं पहले। तो गाइस मैंने जो लौकी है तोड़ लिया। अरे बाप रे, एक इसने किया। ये देखिए यार, मेरे रात भर की मेहनत किसी ने बर्बाद कर दी। हाओ पूरा तोड़ दिया इसको। इसको दोबारा बनाना पड़ेगा। कौन भाई ऐसा कौन कर सकता है। पूरा पूरा वाट लगा के रख दिया है। इसको मेरे को दोबारा बनाना है। चलिए ठीक है, अब क्या करें, बनाना पड़ेगा। तो हेलो गाइस, मैं क्या है, घर का व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मेरे को टाइम हो रहा था, बहुत काम था घर में, लेट हो गया था। वो अभी मेरा दोस्त आया है एग्ज़ाम फॉर्म भरवाने के लिए, मेरा बुक को फोकट में लेके जाने के लिए। पैसा वैसा नहीं दे रहा, हरामी बुक को फोकट में क्या लेके जा रहा। करें, वैसे ठीक है, मैं मतलब मेरे जस्ट ये 1 साल गेप कर दिया ना ये लड़का, तो उसी के कारण इसको ना मेरे से 1 क्लास पीछे रहना पड़ रहा है। तो मेरा जो बुक है इसके काम आ जाता है। मैं दे देता हूँ अपना, 2-3 साल से दे रहा हूँ अपना हर एक बुक। अब क्या करें, अब दे दिया। अब मैं क्या है, अपना इस ईयर का नया बुक लूँगा। अब उस पढ़ाई भी चालू करना, पढ़ाई चालू नहीं किया हूँ। एग्ज़ाम मान लीजिए अपना 3-4 महीना बचा, 4 से 5 महीना बचा होगा, तो तब तक प्रिपरेशन तैयारी कर लेते हैं। और आज का जो दिन है, आज आपको कुछ खास दिखाने वाला हूँ। घर में पूरा सेटअप बन गया है मेरा, तैयार हो गया, उसको आपको दिखाऊंगा। गजब सेटअप बनाया हूँ, मतलब छोटे से जगह में एक बेहतरीन सूट सेटअप, मज़ा ही आ जाएगा। और प्लस पॉइंट में मैं उसका वो भी मंगवाया हूँ अभी, क्या बोलते हैं, अपना स्टैंड और लाइट मोबाइल के लिए नया वाला, ताकि मैं शूट चालू कर सकूं। क्या है, मेरा पुराना वाला स्टैंड टूट चुका है और बाकी जो स्टैंड है सब कैमरे वाले हैं, जो मेरे किसी काम के नहीं है। ठीक है, मिलते हैं फिर। तो गाइस मौसम दमदार ख़राब हो रहा है, एकदम गजब ट्रिप आपको दिखा रहा हूँ। समझो है तरीके से ख़राब हो रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ बाहर का सामान पहले अंदर कर लूँ। ओहो, ये देखिए गजब टिप का, काले काले बादल आ गए हैं। ये पूरे काले काले बादल है, तो हवा चल रही है। सामान अंदर कर लेते हैं, फिर सुकून से दुकान के अंदर बैठे। मौसम मस्त ठंडा ठंडा, मज़ा आ रहा है। और मैं भी बाल कटवाऊंगा। तो देखिए अभी जस्ट कंडीशन ऐसा हुआ कि लालू भैया जो थे, उनका बाइक जो था चालू था, वो करीब करीब मेरे से 20 मिनट बात करते रह गए। तो यार ध्यान देना चाहिए लोगों को। और आज एक बेहतरीन बात हुआ हमारे साथ, आपको बाद में बताऊँगा। तो गाइस अभी जस्ट मैं खाली हुआ, सामान सब बिखरा पड़ा है, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए पूरा बिखरा पड़ा है, ये सब अभी जस्ट सामान दिया उसके कारण है। तो अभी मैं, पहले भूख लग रहा है यार, 6:15 हो चुके शाम के, तो मैं सोच रहा हूँ पहले लंच कर लिया जाए। वैसे तो डिनर का टाइम हो गया, लेकिन लंच करेंगे पहले। क्या है, फिर घर जाके खाना खाते रहेंगे, फिर उसके बाद सामान भी पहुँचा जमाऊँगा, फिर उसके बाद निकलेंगे। क्या है, अपना तैयारी हो चुका है तो सूट चालू करना है। तो चलिए पहले खाते हैं, भूख लग रहा है बहुत। गाइस सॉरी यार, वीडियो जो है बहुत छोटा बनाया हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिल पाया। प्लस पॉइंट में अभी मैं अपने बिल्ले को ढूंढ रहा हूँ, घर में आके वीडियो बनाऊंगा सोचा था, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पा रहा। मेरा बिल्ला नहीं मिल रहा मेरे को, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। देख लेते हैं इधर उधर कहीं पर बैठा होगा। तो क्या डर लगता है यार, जो बड़ा बिल्ला है उसका मारने के लिए हमेशा आता रहता है। क्या एक इलाके में ना जाए, एक बिल्ले से ज़्यादा नहीं रहते, ऐसा सिस्टम है इनके। जैसे एक एक, एक कुत्तों का इलाका होता है, वैसी टाइप का समझ लीजिए। तो अब भाई इस बिल्लों को ऐसा प्रॉब्लम है, अब हमारे घर में भी ना हो हमारा बिल्ला। वाह, बस मैं मौका ढूंढता हूँ उस बड़े बिल्ले को ठोक मारने का। मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं साफ बोलता हूँ। मिल नहीं रहा है यार, मैं कैसे ढूंढूँ, क्या करूँ, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। तो चलिए अब मैं अपने बिल्ले को ढूंढता हूँ, आप लोग सो जाइए।
ये लड़का देखिए अजीब से हरकत कर रहा है यहाँ पर। कहाँ कहाँ रह गए, कर कहाँ रहा है बताएगा? एक्सपेरिमेंट।